गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम इन एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस में पाचन तंत्र। एम्फियोक्सिस के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड सम्मिलित हैं। एलिमेंट्री कैनाल इसमें कंप्लीट होती है, कंप्लीट मतलब जो माउथ से शुरू होकर एनस में एंड होती है, और पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी जो भीतर की स्तर है उसमें सिलिएटेड एपिथीलियम द्वारा रेखित होती है, और इसका व्यास जो है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। तो हम शुरुआत करते हैं माउथ वाले पार्ट से। माउथ कहाँ पाया जाता है और किस प्रकार का है? तो ये रोस्ट्रम वाला पार्ट है इसका। रोस्ट्रम यानी ये आगे की तरफ उभरा हुआ भाग, और इसके नीचे की साइड में यानी एंटीरियर साइड में और वेंट्रल साइड में पाया जाता है माउथ। माउथ जो है ये बड़ा होता है, अंडाकार होता है, रोस्ट्रम के नीचे पाया जाता है। तो कहाँ पर? अग्र अधर भाग पर स्थित होता है। माउथ के चारों तरफ झालर के जैसी संरचना पाई जाती है। ये झालर के जैसी संरचना कहलाती है ओरल हुड। ये ओरल हुड जो है ये इसका डॉर्सल और वेंट्रल साइड में उपस्थित होता है। कहाँ पर? पृष्ठ और पार्श्व में स्थित होता है ओरल हुड। तो माउथ कहाँ हो गया? अग्र अधर भाग पर, बड़ा है, अंडाकार है, रोस्ट्रम के नीचे है एंड सराउंडेड बाय ओरल हुड। अब हम आते हैं ओरल हुड क्या है। ओरल हुड जो है ये धड़ का आगे वाला जो भाग है इस पर डॉर्सल लेटरल प्रोजेक्शन है, और उस प्रोजेक्शन से बनता है ओरल हुड। ओरल हुड का जो स्वतंत्र सिरा है, स्वतंत्र सिरा कौन सा हो गया अब इसका? वेंट्रल वाला पार्ट। तो वेंट्रल वाले पार्ट पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। 10 से 11 जोड़ी टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें बक्कल सिराए भी कहते हैं। ये जो बक्कल सिराए होते हैं ये एक छलनी की तरह कार्य करते हैं। एम्फियोक्सिस भी क्या है? सिलियरी फीडर है, यानी कि यहाँ से जो पानी आएगा, पानी जल धारा के साथ में फूड पार्टिकल्स आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, और उन्हें ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो बक्कल सिराए भी किसकी तरह कार्य करेगा? एक छलनी की तरह कार्य करेगा। ये जो बक्कल सिराए हैं इसमें ये जो ग्रीन कलर के दिखा रखा है ये दिखा रखे हैं स्केलेटल रॉड्स। स्केलेटल रॉड्स जो इन बक्कल सिराए को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा बाहर ऐसे प्रोजेक्शंस दिखाए हैं ये कलर में, तो ये दिखा रहे हैं ये सेंसरी पेपिलिया हैं। इसमें सेंसरी पेपिलिया उपस्थित होते हैं बक्कल सिराए में। तो ओरल हुड का जो स्वतंत्र सिरा है यानी अधर पार्श्व सिरा, उसमें पाए जाते हैं 10 से 11 जोड़ी बक्कल सिराए, ऑल्सो नोन एज टेंटिकल्स। और ये माउथ ओपन होता है किसके अंदर? वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल या हम कह सकते हैं बक्कल कैविटी। तो ये इसका बक्कल कैविटी का भाग है। माउथ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है यानी वीलम से पहले तक का भाग जो है ये कहलाता है वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल क्या है? कप लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर एक्टोडर्म से आस्तरित है, इसीलिए इसे फोरगट भी कह सकते हैं या स्टोमेडियम भी कहा जा सकता है। यहाँ वेस्टिब्यूल में ही जो ओरल हुड का जो आंतरिक स्तर है या जो उपकला स्तर है, उस उपकला स्तर से 6 से 8 जोड़ी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली रहती हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं, जो किसकी बनी हुई है? ओरल हुड के उपकला स्तर से ही बनी हुई है 6 से 8 जोड़ी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और ये एक चक्रीय संरचना बनाती हैं। सारी मिलकर एक चक्रीय संरचना बनाती हैं। इस चक्रीय संरचना के कारण इसको सामूहिक रूप से व्हील ऑर्गन कहा जाता है, और वैज्ञानिक जिसने इसके बारे में बताया उसके आधार पर इसे मूलर्स ऑर्गन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो व्हील ऑर्गन है उसका यहाँ आप डायग्राम देखो, यहाँ पर है ये जो ग्रीन कलर का बता रखा है ये है व्हील ऑर्गन, यानी कि 6 से 8 जोड़ी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो ओरल हुड की जो उपकला स्तर है उसी से बने हैं। उनमें से एक ये लंबा प्रोजेक्शन होता है। ये जो लंबा प्रोजेक्शन है ये कहाँ पर है? मिड डॉर्सल में। तो ये जो लंबा प्रोजेक्शन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक जो है मिड डॉर्सल में, इसमें इसे कहते हैं हैशचेक ग्रूव, हैशचेक की खांच, वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है इसका नाम। और इसके आगे ये है हैशचेक पिट गर्त, ये हो गई खांच और आगे की तरफ है गर्त। तो ये हैशचेक ग्रूव और हैशचेक पिट जो है ये जो है
हैशिक ग्रोव के अंदर म्यूकस सिक्रीट करने वाले सेल्स होते हैं, श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, और हैशिक पिट जो है ये सेंसरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है। तो ये वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है हैशिक ग्रोव एंड हैशिक पिट। तो ये है क्या चीज, व्हील ऑर्गन में ही जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं उसमें मिड डॉर्सल वाला जो प्रोजेक्शन है वो लंबा हो जाता है और उसका नाम है हैशिक ग्रोव, और आगे की तरफ है हैशिक पिट खाँच। ठीक है, ये ग्रोव खाँच और ये हो गया गर्द। अब आते हैं हम इसमें, ये वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन हो गया, और यहाँ पर इसके बाद में जो रोस्ट्रम का लास्ट पार्ट होता है, तो उस लास्ट पार्ट में यहाँ पर ये आप सर्कल देख रहे हो इस तरह का, ये है इसे कहते हैं वीलम। इसे क्या कहते हैं, वीलम, यानी रोस्ट्रम का ही पश्च सिरा एक वृत्ताकार वलय जैसी संरचना बनाता है जिसे क्या कहते हैं, वीलम। इस वीलम में 12 टेंटेकल्स होते हैं, और इसके बीच में ये बड़ा छिद्र होता है। ये जो बीच का बड़ा छिद्र है इसे कहते हैं एंटरोस्टोम। एंट्रो मतलब आंत्र, स्टोम मतलब ओपनिंग, क्योंकि यह छिद्र किस में ओपन होता है, सीधा फेरिंग्स में ओपन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंट्रोस्टोम। तो इस तरह से हम केवल इतना वाला अगर पोर्शन देखते हैं कहाँ से, माउथ से लेकर के बक्कल कैविटी के एंड वाला पार्ट, तो उसके अंदर तीन जगह पानी के छनने की क्रिया हो रही है या उसके केमिकल जाँच हो रही है। वो कहाँ कहाँ से है, सबसे पहले बक्कल सिराए अपने आप में एक छलनी का कार्य कर रहा है, उसके बाद में व्हील ऑर्गन जहाँ पानी का जो है चक्रीय गति, यानी जो है यहाँ पर पानी का चक्रीय गति होगी और यहाँ पर भी पानी का वापस से सिलेक्शन होगा, और उसके बाद में थर्ड क्या है, वीलम पर उपस्थित 12 टेंटेकल्स। तो इस तरह से तीन जगह पानी छन करके एंट्रोस्टोम के द्वारा लास्ट में पानी पहुँचता है कहाँ पर, फेरिंग्स वाले भाग में। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सीलियरी फीडर। और यहाँ फेरिंग्स वाले भाग में जो जल धारा प्रवेश कर रही है उसके अंदर भोजन के बहुत ही छोटे कण पाए जाते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डाई एटम्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं, तो इस तरह का भोजन जो है वो फेरिंग्स तक पहुँचेगा। ठीक है, अब यहाँ हम एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस कर रहे हैं, तो अब हम एलिमेंट्री कैनाल में ही आगे चलते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम को देखो आप, यहाँ पर ये हो गया माउथ वाला पार्ट जो अग्र अधर सतह पर है, ओरल हुड के द्वारा घिरा हुआ है। तो माउथ ओपन होता है वेस्टिब्यूल में, वेस्टिब्यूल में ओरल हुड की ही जो उपकला स्तर है उससे बनता है व्हील ऑर्गन, और रोस्ट्रम के लास्ट वाले भाग में यहाँ पर जो है पाया जाता है वीलम, जिसके अंदर 12 टेंटेकल्स होते हैं और एक वृत्ताकार संरचना है, बड़ा बीच में छिद्र है जिसे कहते हैं एंट्रोस्टोम। उसके बाद आता है कौन सा भाग, फेरिंग्स वाला भाग। फेरिंग्स जो है ये एक बड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे बड़ा भाग है फेरिंग्स वाला भाग। जिस तरह से हमने हर्डमानिए में पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट जो है वो है उसका फेरिंग्स वाला भाग। ठीक है, तो ये हो गया इसका फेरिंग्स वाला भाग। अब फेरिंग्स के में क्या पाए जाते हैं, 150 से 200 जोड़ी जो है गिल स्लिट्स इसके अंदर पाई जाती हैं। फेरिंग्स से ही संबंधित, जैसे हमें हर्डमानिया का अगर याद हो तो उसके अंदर हमने बताया था मिड वेंट्रल में पाया जाता है एंडोस्टाइल, तो उसी तरह से यहाँ पर देखो आप मिड वेंट्रल में जो खाँच है ये क्या है, एंडोस्टाइल। ठीक है, और मिड डॉर्सल पर जो खाँच है उसे कहेंगे एपीफेरेंजियल ग्रूव। हर्डमानिया में डॉर्सल लेमिना उपस्थित होता है मिड डॉर्सल में। ठीक है, और एंडोस्टाइल और इपीफेरेंक्स को जोड़ने वाले सिलियरी पाथ है, ये है पेरीफेरेंजियल बैंड्स। दो बैंड्स जो उसमें भी थे, हर्डमानिया में भी थे, पेरीफेरेंजियल बैंड्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा था आगे वाला बैंड कंप्लीट होता है लेकिन पीछे वाला बैंड मिड डॉर्सल में डॉर्सल लेमिना से जुड़ा हुआ होता है और मिड वेंट्रल में एंडोस्टाइल से जुड़ा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी फेरेंक्स के मध्य अधर वाले भाग में जो खाँच पाई जाती है वो है एंडोस्टाइल, मध्य पृष्ठ वाले भाग में जो खाँच पाई जाती है वो है एपीफेरेंजियल ग्रूव, और एंडोस्टाइल से दो बैंड्स निकलते हैं, दो बैंड्स इसको घेरते हुए किससे जुड़ जाते हैं आगे, एपीफेरेंजियल ग्रूव से, और यहाँ पर सिलियरी पाथ है, यानी यहाँ पर अंदर की तरफ
सीलिया उपस्थित हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फेरिंग्स के बाद। फेरिंग्स में ये इपीफेरेंजियल ग्रूव ओपन होती है, किसमें? ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस एक छोटी रचना है, छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में शुरू होता है इंटेस्टाइन वाला भाग। इंटेस्टाइन इसमें दो भागों में बांटी जाती है, मिडगट एंड हाइंडगट। मिडगट जो है, जैसे ही शुरू होती है मिडगट, तो वहां पर एक डाइवर्टिकुलम, यानी डाइवर्ट क्या होता है, दिशा चेंज करना। तो एलिमेंट्री कैनाल को यहाँ एनस की तरफ, पीछे की तरफ बढ़ना था, लेकिन यहाँ पर मिडगट जो है ये एक अंदनाल जाती है इससे और फेरिंग्स वाले भाग की तरफ जा रही है। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो, ये ऐसे जाकर के आगे फेरिंग्स वाले भाग की तरफ आगे जा रही है। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है इसका? मिडगट डाइवर्टिकुलम, यानी मिडगट डाइवर्ट हो गई आगे, मतलब एनस की तरफ जाने के बजाय फेरिंग्स की तरफ जा रही है ये। तो ये जो मिडगट डाइवर्टिकुलम वाला पार्ट है, इसे हिपैटिक डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं। और ये हिपैटिक डाइवर्टिकुलम जो है, ये कॉर्डेट्स के पेनक्रियास के समकक्ष इसे माना जा सकता है। तो ये हो गया मिडगट डाइवर्टिकुलम। और यहीं पर ही मिडगट में ही यहाँ पर ये है एक लेटरल सीलियरी ट्रैक ऑफ मिडगट। ये इस तरह से जो पोर्शन दिखा रखा है, ये है लेटरल सीलियरी ट्रैक ऑफ मिडगट, ठीक है। तो मिडगट के बाद में अब क्या आएगा? हाइंडगट वाला पार्ट है। तो हाइंडगट वाले पार्ट में जहां पर ईलियम और कोलोन मिलते हैं, उस जगह पर रिंग जैसी संरचना बनती है, उसको कहेंगे इलियोसिलिक रिंग। ये इलियोसिलिक रिंग, जिसके अंदर पानी जो है ये चक्रीय गति शो करेगा, ठीक है, इलियोसिलिक रिंग। और उसके बाद में इसका लास्ट पार्ट है हाइंडगट का रेक्टम, और रेक्टम के बाद में एनस। एनस जो है ये कहाँ उपस्थित होता है? वेंट्रल फिन के लेफ्ट साइड में। वेंट्रल फिन के लेफ्ट साइड में उपस्थित होता है एनस। एनस के बाद वाला जो पार्ट है वो इस एनिमल में कहलाता है टेल वाला पार्ट। और एनस ओपन होगा किसमें? एट्रियल कैविटी में ओपन हो रहा है, एट्रियल कैविटी में ओपन हो रहा है, और बाहर की ओपनिंग है एट्रियोपोर। इस एट्रियोपोर के द्वारा ही अपशिष्ट पदार्थ को, या एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको एट्रियोपोर के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। तो ये हो गया क्या इसकी एलिमेंट्री कैनाल के संरचना के बारे में। अब मैं बताती हूँ इसके अंदर कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है, फूड का इनटेक या पानी का इनटेक सारा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, माउथ से पानी अंदर आया, अंदर आने के बाद में वो कहाँ जाएगा? बक्कल कैविटी में, यानी वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल में लास्ट में क्या पाया जाता है? रोस्ट्रम से बना हुआ एक वृत्ताकार संरचना वीलम। वीलम में 12 टेंटिकल्स होते हैं। वीलम के बीच में जो बड़ा छिद्र होता है उसे एंट्रोस्टोम कहते हैं, और एंट्रोस्टोम ओपन होता है फेरिंग्स वाले भाग में। और फेरिंग्स आगे किसमें कंटिन्यू होता है? ईसोफेरिंग्स सबसे बड़ा भाग होता है। फेरिंग्स जब आता है तो हमें इसमें जो है तीनों संरचनाएं बतानी है, कौन सी? पेरिफेरेंजियल बैंड, और जो है डॉर्सल साइड में उपस्थित इपीफेरेंजियल ग्रूव, और नीचे की साइड में उपस्थित एंडोस्टाइल। तीनों के बारे में हमें बताना है, और गिल स्लिट्स के बारे में भी हमें बताना है कि 150 से 200 जोड़ी गिल स्लिट्स जो है इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। फेरिंग्स ओपन होता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक छोटी रचना होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है अंदर की तरफ इसमें सीलियरी एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। ईसोफेगस फिर किसमें ओपन होगा? मिडगट में ओपन होगा। और ईसोफेगस और मिडगट के जंक्शन यानी संधि स्थल पर क्या होता है? हिपैटिक डाइवर्टिकुलम, यानी मिडगट डाइवर्टिकुलम, ठीक है। इसे डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं, और ये अन्य कॉर्डेट के पैनक्रियास के समकक्ष इसको माना जाता है। मिडगट किसमें ओपन होगा? हाइंडगट में ओपन होगा। तो मिडगट और हाइंडगट के संधि स्थल पर यहाँ पर होता है इलियोसिलिक रिंग बनती है। इलियोसिलिक रिंग जो है यहाँ पर भोजन का चर्निंग, चर्निंग मतलब मंथन, यानी भोजन और अच्छी तरह से मंथन होगा उसका, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में भोजन को भोजन टूट जाता है जिससे अच्छी तरह से उसका पाचन हो सके। उसके बाद में हाइंडगट, मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो मिडगट में हो जाता है, ठीक है। तो हाइंडगट में अब भोजन का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और जो भोजन पचेगा नहीं वो भोजन यानी अनडाइजेस्टेड फूड पहुंचा दिया जाता है रेक्टम वाले भाग में। रेक्टम से होता हुआ वो एनस के द्वारा एट्रियल कैविटी में छोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया पाथ, ठीक है। अब हम लेते हैं इंजेशन ऑफ फूड, यानी प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण।
ये जो एनिमल है एम्फियोक्सस, ये सिलियरी फीडर है। पानी वाटर करंट कब बनता है, कैसे बनता है, तो वो जैसे हमने हडमानिया में पढ़ा था कि फेरिंग्स में जो गिल्सलेट्स होते हैं उनमें जो सिलिया है उनके मूवमेंट के कारण वाटर करंट बनता है, उसी तरह से यहाँ पर भी फेरिंग्स में जो गिल्सलेट्स हैं या गिल बार्स हैं उनके सिलियरी मूवमेंट से वाटर करंट बनता है, जलधारा बनती है, और जलधारा जो है उसके साथ में ही भोजन के छोटे पार्टिकल्स जो है एंटर करते हैं। तो पानी एंटर होता है, माउथ में जाता है, माउथ से पहुंचेगा फेरिंग्स वाले भाग में, फेरिंग्स से फिर ये गिल स्लिट्स से होता हुआ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर पहुंच जाता है सीधा एट्रियल कैविटी में, और एट्रियल कैविटी से एट्रियल अपर्चर के द्वारा पानी जो है उसे बाहर एग्जिट कर दिया जाता है। तो ये हो गया पानी का वाटर करंट का प्रोसेस, एंटर्स फ्रॉम माउथ एंड एग्जिट थ्रू एट्रियो पोर। ठीक है, अब हम लेते हैं शुरुआत इसमें ओरल सिराए से। ओरल सिराए कहाँ पर उपस्थित है, जो इसका माउथ वाला पार्ट है उस माउथ वाले पार्ट में, यानी ओरल हुड के वेंट्रल साइड में और लेटरल साइड में जो है ये ओरल सिराए उपस्थित हैं। तो ये एक छलनी की तरह कार्य करते हैं, तो बड़े भोजन के कणों को यहाँ पर ही आहार नाल में जाने से रोक दिया जाता है, और उसके बाद में भोजन पहुँचता है कहाँ पर, जब व्हील ऑर्गन तक पहुँचता है। व्हील ऑर्गन तक पहुँचता है तो यहाँ पर जो इसमें व्हील ऑर्गन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में जो सीलिया हैं उनके जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के कारण जो है एक चक्रीय गति होती है पानी की। ठीक है, और वो उसको दिशा देती है पानी को किस तरफ, फेरिंग्स की तरफ जाने के लिए निर्देशित करती है। तो व्हील ऑर्गन को पार करता हुआ जो है पानी कहाँ पहुँचता है, व्हीलम वाले भाग में, यानी वेस्टिब्यूल का एंड पार्ट जो है व्हीलम। व्हीलम में क्या बताया था, 12 टेंटिकल्स होते हैं, तो वापस से एक बार जो है पानी का छनने की क्रिया होती है। तो इन तीनों जगह पर ओरल सिराए, व्हील ऑर्गन और व्हीलम, तीनों पे बारी बारी से जो है पानी के छनने की क्रिया होती है, और एंट्रोस्टोम के द्वारा, व्हीलम के अंदर का जो वृत्ताकार छिद्र है एंट्रोस्टोम, उसके द्वारा पानी जो है वो कहाँ पहुँचा दिया जाता है, फेरिंग्स वाले भाग में प्रवेश कर जाता है। अब आता है फेरिंग्स के अंदर भोजन के कण, फेरिंग्स के अंदर भोजन के कण, उसकी जो उपकला कोशिकाएं हैं वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, तो भोजन के कण उस म्यूकस के साथ में जो है चिपक कर रह जाते हैं। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर तो वहां से पार करके कहाँ चला जाएगा, गिल स्लिट्स को पार करते हुए वो है एट्रियल कैविटी में चला जाएगा, लेकिन भोजन के जो कण हैं वो इसकी उपकला कोशिकाओं के द्वारा स्रावित जो म्यूकस है उस म्यूकस के साथ चिपक कर रह जाएगा, और वहां से वो पहुंच जाता है मध्य अदर खांच पे। मध्य अदर खांच पे यानी कि कहाँ पर आ गया, एंडोस्टाइल वाले भाग में आ जाता है। ठीक है, एंडोस्टाइल में जो सीलिया है, लेटरल सीलिया और फ्रंटल सीलिया, उन सीलिया के द्वारा, ये मैं आपको साथ साथ में डायग्राम से बता देती हूँ, यहाँ पर यहाँ आ जाते हैं हम यहाँ पर एंडोस्टाइल। तो एंडोस्टाइल में जो लेटरल सीलिया और फ्रंटल सीलिया है इनके मूवमेंट के द्वारा जो है भोजन यहाँ श्लेष्मा के साथ भी मिक्स होता जा रहा है और आगे की तरफ जो है फूड स्ट्रिंग बन जाती है एक, और ये भोजन को जो है ये आगे की तरफ, यहाँ आगे की तरफ धक्का देते हुए पेरीफेरेंजियल बैंड से होते हुए भोजन पहुँचा दिया जाता है इपीफेरेंजियल ग्रूव में। यहाँ पहुँच गया भोजन कहाँ पर, इपीफेरेंजियल ग्रूव में। अब इपीफेरेंजियल ग्रूव से भोजन को कहाँ पहुँचाया जाएगा, ईसोफेगस वाले भाग में। तो यहाँ से भोजन जो है इसे ईसोफेगस वाले भाग में पहुंचा दिया जाता है। अब यहाँ भोजन किस रूप में है, फूड कॉर्ड के रूप में। ये जो गुलाबी कलर की लाइन दिख रही है ये फूड कॉर्ड, यानी जिसके अंदर जो है एक भोजन की स्ट्रिंग बन गई है, म्यूकस के साथ में चिपक करके एक भोजन की स्ट्रिंग बन गई है। तो यहाँ पर जो है ये पहुंच गया कहाँ पर, ईसोफेगस वाले भाग में। अब ईसोफेगस के बाद का भाग कौन सा है, मिडगट वाला भाग है। तो यहाँ से भोजन को कहाँ जाना है, मिडगट वाले भाग में। तो यहाँ से जब भोजन यहाँ मिडगट वाले भाग में जाने लगता है तो यहाँ पर है लेटरल सिलियरी ट्रैक। ये क्या है, लेटरल सिलियरी ट्रैक। तो जब भोजन यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर ये जो सीलिया है इन सीलिया के मूवमेंट के कारण भोजन को डाइवर्ट कर दिया जाता है मिडगट डाइवर्टिकुलम की तरफ, यानी भोजन यहाँ से डाइवर्टिकुलम में पहुँच गया। ठीक है, तो लेटरल ट्रैक जो है इसका सीलिया क्या, उसके कारण ईसोफेगस का भोजन जो कि मिडगट में जाना था वो इस लेटरल सिलियरी ट्रैक के कारण मिडगट डाइवर्टिकुलम में पहुँचा दिया जाता है। और यहाँ पर जो है उसके बाद में ये भोजन मिडगट डाइवर्टिकुलम से होते हुए पहुंचता है मिडगट में, और यहाँ जो है क्या बताया था, मिडगट डाइवर्टिकुलम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है और यहाँ पर भोजन का पाचन होगा, मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में ये भोजन वापस कहाँ पहुँचाया जाएगा, मिडगट के बाद में कौन सा आ गया, हाइंडगट में। लेकिन यहाँ जो जंक्शन है, मिडगट और हाइंडगट का जो जंक्शन है, वहाँ पर इलियोसिलिक रिंग पाई जाती है, इलियोसिलिक रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो फूड कॉर्ट पहुँचता है, तो यहाँ पर जो भोजन है वो इस तरह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जो है उसका भ्रमण परिभ्रमण होगा, जिसके कारण फूड के पार्टिकल्स को और छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांट दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो एंजाइम्स में अच्छी तरह से मिक्स हो सकें। और जो मैक्सिमम डाइजेशन वाला है भाग, वो कहाँ पर हो जाता है, मिडगट में हो जाता है। वहाँ पर लाइपेस, प्रोटीएस और एमाइलेस एंजाइम होते हैं जो मिडगट डाइवर्टिकुलम या इसके द्वारा हिपेटिक डाइवर्टिकुलम के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, और कंप्लीट जो है डाइजेशन वहाँ पर हो जाता है मिडगट वाले भाग में। पेप्सिन एंजाइम का इसमें अभाव होता है। तो मैक्सिमम डाइजेशन किस प्रकार का हुआ इसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब किसमें, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। लेकिन थोड़ा सा डाइजेशन, सम डाइजेशन जो है वो इंट्रा सेलुलर प्रकार का भी होता है, क्योंकि मिडगट डाइवर्टिकुलम की जो सेल्स हैं, मिडगट डाइवर्टिकुलम की जो सेल्स हैं वो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, तो वो कुछ भोजन के पार्टिकल्स को अपने में इनगल्फ करके भी डाइजेस्ट करती हैं। और यहाँ पर भोजन का जो पाचन का माध्यम है यानी पीएच है, वो होता है 6.7 से लेकर के 7.1 तक। उसके बाद में यहाँ इलियोसिलिक रिंग में और अच्छी तरह से चर्निंग हो गई भोजन की, और उससे क्या होगा इसमें कि जो है और अच्छी तरह से एंजाइम जो बचा हुआ भोजन का एब्जॉर्प्शन करना है वो, और इसके अंदर डाइजेशन होना है वो इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। फिर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो हाइंडगट में होता है, हाइंडगट में एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो है अपचित भोजन कहाँ पहुँचा दिया जाता है, रेक्टम वाले भाग में, और वहाँ से ये एनस के द्वारा जो है एट्रियल कैविटी में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये पूरा क्या है इसका, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का अगर नाम आता है तो हमें उसमें मिडगट डाइवर्टिकुलम को ही एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।